हे गाइज वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो एंड आई होप आप सभी अच्छे में। तो फाइनली गाइज अभी बज रहा है 5 और सभी लोग गांव से चले गए हैं छठ घाट पे। तो फाइनली अभी हम भी चल रहे हैं, आज सुबह का आपको छठ घाट का व्यू दिखाते हैं अपने गांव का, और उसके बाद से हम लोग पानी वानी वितरण करेंगे, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें वो सब सारी चीज़ें दिखाएंगे। और छठ का ये लास्ट इस समय मतलब लास्ट ही होगा जो सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाएगा। पूरे 3 दिन के बाद जो हमारी माता श्री लोग भूखी हुई हैं वो आज अपना व्रत तोड़ेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो बने रहेगा, शुरू से अंत तक आपको एक एक चीज़ दिखाते हैं सुबह में कैसे क्या क्या चीज़ें होता है वो सारी चीज़ें। तो फाइनली गाइज अभी हम लोग पानी लेकर घाट पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे पानी भी वितरण करना चालू कर दिए हैं, क्योंकि जस्ट अभी थोड़े देर में सुबह हो जाएगा। जैसे सुबह तो हो ही गया है, जैसे ही सूर्य भगवान दिखेंगे उनको अर्घ देना चालू हो जाएगा। तो अर्घ देने के बाद जो हमारी माताएँ छठ भूखी रहती है 3 दिन का व्रत, आज सबसे पहले पानी से ही अपना जल से ही मतलब बोला जाए तो व्रत को तोड़ती हैं, उसके बाद से कुछ मुंह में अन्न या मीठा कुछ लेती हैं। तो सबसे पहले हम लोग पानी पूरे जितने भी यहाँ लोग आए हैं ना सबको पानी हम लोग, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत पानी का ही यहाँ पे पड़ता है। उसके बाद से इधर देखिए चाय का भी स्टॉल लगा हुआ है, जो कि यहाँ पे गांव के प्रधान द्वारा जो चाय का स्टॉल लगा है उनके द्वारा ये दिया जा रहा है। तो सब बच्चे जो भी आते हैं छोटे छोटे बच्चे वो अपने जैसे घर वाले जो भी हैं माता चाचा चाची दादा या जो भी रहते हैं ना उनको ले जाकर वो पास में देते हैं। देखिए अभी यहाँ पे माता श्री भी आ चुकी हैं चाय वो लेने के लिए। तो चाय का मतलब स्टॉल लगाया जाता है, मिठाई का लगाया जाता है। अभी देखिए अर्घ देना चालू हो गया है क्योंकि सुबह हो चुका है और 6:30 हो गया है और भगवान सूर्य भी दिखने लगे हैं, तो अर्घ सूर्य भगवान को देखकर ही दिया जाता है। तो यहाँ पे माता श्री जो होती है ना उनके बेटे जैसे अर्घ दिलाते हैं या पंडित जी अर्घ दिलाते हैं, अगर पास में लड़के हैं तो वो अर्घ दिला देंगे, नहीं तो पंडित जी अर्घ दिलाते हैं। और अर्घ दूध से दिया जाता है, दूध पानी जो मतलब दूध नहीं है तो पानी से भी आप दे सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बेटर दूध से ही दिया जाता है। देखिए यहाँ पे जैसे दिया जा रहा है, एक बार चलिए हम अपने गांव का पूरा नज़ारा दिखाते हैं, यहाँ पे कितने लोग आए हैं। शाम की अपेक्षा देख सकते हैं यहाँ से 2 से 3 गुना ज़्यादा लोग बढ़ चुके हैं, शाम के वक्त सारे लोग आते हैं। और देख सकते हैं जो हमारा छठ घाट है कितना बड़ा है, लगभग 5 से 10 हज़ार लोग यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे देखिए अभी जलेबी का स्टॉल लगा हुआ है जहाँ पे बच्चे सब परेशान कर दिए हैं, एक बार नहीं 4-4 बार जलेबी लेता है लो तब भी नहीं हटता है लो। और यहाँ पे थोड़ा अभी वॉयस ओवर किए हैं इस वीडियो में क्योंकि इतना डीजे बज रहा था ना, यहाँ पे बोले हैं जो भी वो सब गाना के साथ आया तो प्लीज़ वो कॉपीराइट हो जाएगा, इसके लिए वॉयस ओवर किया हूँ। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा अच्छा नहीं लगे, बट कैसे भी करके वैसे ही आप लोग को सोचा जैसे भी हो दिखा दो। और देखिए हमारे जो भी मोहल्ला के लोग हैं यहाँ पे एकदम लगे हुए हैं जलेबी वितरण में, एकदम फुल सहयोग। बाबू पाग अंदर जाएगा चाहे और पोखरा रहते देख सकते हैं हम लोग, जो घाट में छोटा छोटा बनाए थे अर्घ देने के लिए कुआं खोदे थे वहाँ पे सबसे ज्यादा लोग दे रहे हैं क्योंकि पोखरा साफ ही नहीं रहता है। और इधर में देखिए छोटा छोटा बच्चा फिर पहुंच गया है लो चाय स्टॉल पे, मतलब चाय का वाट लगा दिया लो एकदम। देखिए सब कह रहा है कि वीडियो बना रहे, मतलब परेशान है लो पूरा एकदम चाय के लिए, और चाय इन लोग को बाल्टी से बाल्टी दिया जा रहा है फिर भी नहीं हट रहे। और गाइस जिनके लड़के का भाड़ा रहता है ना वो नाच वाच बांध के लेके आते हैं छठ घाट, तो यहाँ पे एक डांसर आई थी देख लीजिए कितना खूबसूरत है, लग रहा है कि विश्व सुंदरी डांसर थी, और साथ देने वाला भी उतने भी विश्व खूबसूरता है, और ये उन लोग को बहुत पसंद से देख रहा था उस समय। आप लोग को पसंद की नहीं बताइए, इतना भीड़ सिवान में कहाँ होगा, हम लोग का जो घाट पे भीड़ है ना वो कहीं नहीं मिलेगा का। और ये जो हम लोग का छठ घाट है ना सिवान जिले के छोटपुर गांव का छठ घाट है, आप लोग जहाँ से भी देख रहे हैं हम लोग का गांव कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा हम लोग गांव का छठ। और जो अर्घ देते समय जो हमारी माताएं श्री दान करती है पंडित जी को, यहाँ पे देखिए कितना दान पात्र में पड़ चुका है, पूरा फोटो शूट कर रहा है लो। हम लोग एको फोटो हुए नहीं खींचे लो, पूरा फोटो शूट इधर देखिए, लोग उधर जाने भी लगा, अब टाइम ज्यादा हो गया है। क्या हुआ है जी, जलेबी खाने के लिए देखिए उधर से दौड़ के इधर आया है, जब भी फोटो खींच रहा था उसमें क्या हुआ नु एगो खिसिया गया कि हम फोटो नहीं खींचा, वही देखिए लो का जी पानी में का डाल दिया, अरे वही देखिए साफ नहीं आ रहा था, कैमरा धो रहा है ल वीडियो साफ नहीं आ रहा था, देखिए कैमरा धो रहा है, आईफोन का बेइज्जती कर रहा है भाई, चलाए देखे चालू है जी, देखिए तो भाई फोनवा चालू है, देखिए साफ हो गया, तनी तनी लो काम नहीं कर रहा है करने लगा कर, चलो बच गया है भाई, ऐसा मत करो यार फोन चल जाएगा इतना महंगा है, कोई बात नहीं फिर खर जाएगा, बार बार देखिए कोई बात नहीं। ये हमारे भाई लोग एकदम जो कि जो डेली वीडियो देखते हैं, अलग का डालेंगे एक में डालेंगे,
ये लोग जाने भी लगे, अभी सुबह हो चुका है, 6 बज गया है, अरग अरग दे के और लोग घर भी जा रहे हैं। सभी शरणार्थी लोग जा रहे हैं अपने अपने घर। हाई कोर्ट से आए हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट से आए हैं वकील साहब, आने वाले दिन में वकील बनने वाले हैं। छठ पूजा देखने के लिए आ रहे हैं, छुट्टी खा के छुट्टी मार के छुट्टिए। लोग जो भूखे वो चाय कम पी रहे हैं, ये सब ज्यादा है। देखिए बांट रहा है खुद, कप कप मार रहा है जी, 17 कप, बाप रे 17 कप, 18 कप, बाप रे बाप, इतना इतना पिएगा लो तो लोग का पिएगा, देख रहे हैं लड़का सबको। तो गाइस अभी सभी लोग घर चले गए हैं और छठ माँ देखिए उदास हो गए हैं। तो अब पूरे एक साल के बाद फिर हम लोग आपको वीडियो में मिलेंगे इस छठ पूजा के साथ। और आप लोग को छठ पूजा पसंद है कि नहीं जरूर कमेंट कीजिएगा, कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये भी जरूर बताइए। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग घर जा रहे हैं, पीछे में देखिए सब हमारे सब्सक्राइबर है, एकदम वीडियो दिल से सपोर्ट ही लोग करते हैं। इधर में देखिए क्या बोलते हैं कि अभी ऐसे सब उखाड़ा जा रहा है, एकदम अभी ऐसे लग गया लो, अब रास्ता खाली किया जा रहा है। तो चलिए आप लोग को हम लोग का गांव का जो छठ पूजा था कैसा लगा जरूर बताइए, कमेंट कीजिए, कहां से वीडियो देख रहे हैं। और सुबह में हम उतना बढ़िया से नहीं दिखा पाए क्योंकि हम लोग पानी बांटने में बिजी थे। उसके बाद तले जैसे पानी बांटना ख़त्म हुआ तले पता चला कि लोग अर्घ देना चालू कर दिए, तब वैसे ही थोड़ा बहुत वीडियो शूट किए हैं डाले हैं। अब पूरा सबसे ज़्यादा बात है ना कि यहाँ पे डीजे बज रहा था तो उसमें अब बोलना बहुत मुश्किल है, माइक को काम नहीं करता है, तो डीजे बज रहा था इसीलिए सब वॉइस ओवर किए हैं। चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे अच्छे से, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और एक बार लास्ट में बोल देते हैं जय छठी मैया। यही जो है ना छठी माई का मेन प्रसाद यही है, बिहार का ठेकुआ है। इसी पे कितना रील यूट्यूब पे फेसबुक पे लोग देख देख के मोहित होता है कि बिहार का ठेकुआ का बहुत नाम है। तो फाइनली आप देख लीजिए यही है बिहार का ठेकुआ, और जो जो नहीं खाए हैं खा लीजिए मेरे तरफ से, मेरे को कमेंट कीजिए, हम पार्सल करेंगे प्रसाद। और जो जो खा रहे हैं तो भाई बहुत भाग्यशाली है कि बिहार का ठेकुआ खा रहे हैं, छठ माँ का प्रसाद खा रहे हैं। तो गाइज ये वीडियो रात के 2 बजे का है जो मैं आपको नहीं दिखा पाया आगे क्योंकि बहुत रात था उस समय, और रात के समय अगले वीडियो में आपने देखा होगा कि जो रास्ता हम लोग लाइटिंग करते हैं तो उसी के थ्रू हम लोग आते हैं। और यहाँ पे रात में हम लोग आते हैं 2 बजे 3 बजे के आसपास, सभी लोग जितने जेंट्स लोग होते हैं खासकर वही लोग ये आते हैं कोसी लेकर और छठ माँ के पास, अपने अपने छठ माँ के पास कोसी भरते हैं। क्रियाएँ होती हैं जो कि आपको बता नहीं सकते हैं, थोड़ा बहुत दिखाएं बहुत कुछ। और इसको अगर छठ पूजा को आपको समझना होगा ना तो एक बार बिहार आइएगा और एक बार छठ पूजा में आप लोग शामिल हो।